एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर वुड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैंपेन गो नाउ। कहां जाएगी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैंपेन, जिस तरह कल शिकस्त हासिल हुई अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उस हवाले से डिस्कशन हुई हमारी और हम बात यही कर रहे थे कि क्यों ऐसा हुआ। सो एक रीजन जो कि यूसुफ ने हमें कहा, बिकॉज हम तो अभी तक ये सोचे थे कि इट्स बोलिंग एंड फील्डिंग, इट वॉज बैड बोलिंग एंड बैड फील्डिंग दैट टुक दैट गेम अवे फ्रॉम अस, बट एक नया पर्सपेक्टिव जो यूसुफ आपने दिया कि इट वॉज बैटिंग दैट वी लैक्ड एट। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बाबर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि 280-290 हमारा टारगेट था, बट अगले ही सवाल के जवाब में जो है उन्होंने ये भी कहा कि हाँ वी वर 15-20 रन शॉर्ट। इसका मतलब वी वरंट क्लियर अबाउट द टारगेट वी वांटेड टू सेट। इंडिया के अगेंस्ट जब हम हारे तो हमने यही कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इस हार से जीत कुछ सीखें और वो सीख के अप्लाई करें। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने फिर वो गलतियां करते हुए देखा टीम पाकिस्तान को, मगर यही स्टेटमेंट था कि हम सीखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हाँ जी वो बहुत अच्छा खेले और हम सीखेंगे। आज भी फिर हम ये सुन रहे हैं कि हम सीखेंगे। मैं वापस यूसुफ आपकी तरफ आऊँगी, हम सीखेंगे, हम कब सीखेंगे। बैटिंग की बात की कन्फ्यूजन आपको बाबर आजम की भी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में दिख रही है, 280-290, मगर फिर उन्होंने कहा 15-20 रन शॉर्ट। मैं जब रन शॉर्ट करने की बात करती हूँ, एंड्रयू पुटिक इस वक्त जो है बैटिंग कोच हैं टीम पाकिस्तान के, क्या वो कुछ डिलीवर कर रहे होंगे जिस तरह हम अजय जडेजा को क्रेडिट दे रहे हैं फॉर अफगानिस्तान फ्लोरियस बैटिंग, क्या हम पाकिस्तान के लिए एंड्रयू पुटिक कुछ कर रहे होंगे? वुड ही हैव अ प्लान? सबसे पहले तो जो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, कल भी थोड़ी सी देखी लेकिन अभी भी मैंने जो देखी है, मैंने गौर किया जो कि बहुत परेशान लग रहा था, बिल्कुल सुना रोया भी है, और हम सब बाबर के साथ हैं। देखिए किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारते, पूरी टीम गेम होती है, कोचिंग स्टाफ होता सब है, अगर हम लोग भी होते तो हमारा भी जिम्मा था उसमें, कोई भी है। और सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हम सबको उसके साथ होना चाहिए। गेम हार गए, गेम एक हार जीत हिस्सा है, लेकिन हम सब दुख में हैं, हम सबको अफसोस हुआ है अफगानिस्तान से जो आ रहे हैं। फिर उनके एक प्लेयर की स्टेटमेंट आई है, वो भी बड़ी दुख वाली है, वो भी हमें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ऐसा किसी प्लेयर को करनी नहीं चाहिए थी, ऐसे उनको भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए था, इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बाबर को देख के मुझे दुख हुआ है और हमें उसके साथ होना चाहिए, हम भी इस जगह से गुजरे हुए हैं, बिल्कुल, तो ये हम उसके साथ हैं और बाबर को फिक्र नहीं करनी चाहिए। हार जीत गेम का हिस्सा है, अगले चार मैच हैं, आप पूरी कोशिश करें, पूरी कौम आपके साथ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए, हम जितने भी लोग बैठे हैं। बिल्कुल, वी शुड बी ऑनेस्ट। एक देखे वो खुद भी कह रहा है 10-15 रन पीछे, लेकिन 10-15 रन पीछे नहीं है, हम कम से कम 50-60 रन पीछे थे, जिस तरह की विकेट थी, 4-5 ओवर के बाद वो साफ नजर आना शुरू हो गया था कि ये एक स्लो सीमेंट विकेट है, इस पे कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं नबी के ओवर कोई भी पाकिस्तानी बंदा निकाल के देख ले, पूरी कौम निकाल के देख ले, कुछ ऐसा नहीं, जितने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं वो सीधी सीधी बॉल कर रहा है, बिल्कुल, और 7 ओवरों में 15 रन उसके खिलाफ हुए, 31 टोटल 10 में, वो तो 3 ओवरों में 16 हुए ना, बिल्कुल 15 रन, ऐसे लगा कि मुरलीधरन बॉलिंग कर रहा है, शेनवन बॉलिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा था, नॉर्मल से बॉलर है ये लोग, एक नया यंग लड़का आ रहा है उस पर हम 49 रन बना रहे, इसका मतलब इंटेंट में कोई कमी है, फेलियर का जो डर है, जो खौफ है हमारे अंदर कि हम आउट ना हो जाएं, बिल्कुल, अगर आउट, मेरा मकसद है कि हमें इंटेंट दिखानी चाहिए थी, ये इंटेंट नहीं थी, बॉलिंग और फील्डिंग सही नहीं हुई, इसमें बैक नहीं कर सकते, फील्डिंग और बॉलिंग को कोई भी बैक नहीं करेगा, और वो उसने सही कहा है कि मार्क में नहीं थी, सही जगह पे बॉलिंग नहीं की, फील्डिंग सही नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम उन्हें रन्स तो दें ना। मगर मैं एक कैंप का थोड़ा सा माहौल आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने एंड्रयू पुटिक की बात की है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, बिकॉज आप बैटिंग कोच रहे टीम पाकिस्तान के, मतलब इंटेंट की हम, इंटेंट इज अ वेरी फैशनेबल वर्ड जो हम बहुत आराम से अब यूज करते हैं, इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं है, हाउ डू वी कम्युनिकेट टू आर प्लेयर्स कि क्या इंटेंट, किस तरह आगे रखनी है? कितनी दफ़ा ऐसा हुआ दैट मोहम्मद यूसुफ टोल्ड ऑल आर बैटर्स कि नहीं जी ये इंटेंट रखनी है और ऐसे बैटिंग करनी है एंड ऐसे फेस करना है आगे आने वाले बॉलर्स को? इस वर्ल्ड कप नहीं, इस वर्ल्ड कप में तो ऑब्वियसली आप बैटिंग कोच नहीं तो है ना, जब आप बैटिंग कोच से हुई मैं तो तब अभी नहीं, बिहाइंड द सीन क्या चलता है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं। तो देखिए जो भी एंड्रयू पुटिक को भी मैंने जो देखा है वो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो नहीं बता रहा होगा, कोचेस क्यों नहीं बता रहे होंगे, क्यों जडेजा तो अभी आया
जितेंद्र को क्रेडिट देना शुरू हो गए. हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि तो अभी आ रहा है. बिल्कुल, दो दिन में उसने क्या कर दिया भाई? कोई वो पीठ साहब तो है नहीं हमारे के दो दिन में सब गेम प्लान को दिया जा सकता है. होती है, इसमें मेरा एक मेरी राय है टू मेक कन्वर्सेशन को थोड़ा आगे लिंगर ऑन करने के लिए. ये बिल्कुल यूसुफ कह रहा है कि दो दिन में कुछ नहीं कोई डिफरेंस कर, पर माइंडसेट चेंज हो जाता है कई दफा नई आवाज आने से. बिल्कुल, ये छोटी सी आवाज होती है, आप दो दिन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. उसकी रीजन पता क्या है? यूसुफ है, यूसुफ अब बैट्समैनों को बताएगा. हो सकता है कोई तीसरा बंदा आए और आके ऐसी बात कहे कि लोग बिलीव करने लगे, क्योंकि ये इस लेवल के ऊपर आपने माइंडसेट से ज्यादा खेलना होता है ज्यादातर इंटेंट का. मेरा इंटेंट तब तगड़ा होगा जब मेरा माइंड उसके बात को सुनने को तैयार हो, क्योंकि कई दफा आपका बात सुन रहे होते हैं आप पर माइंड आपका वो कबूल नहीं कर रहा होता. जैसे इंग्लैंड का माइंडसेट चेंज क्यों हुआ? उन्होंने स्ट्रॉस जो एज ए कैप्टन, वो कभी भी ऐसा चांस नहीं ले, खुद उसको नहीं खेलना आता था. उसको मारना नहीं आता था फील्डरों के ऊपर से. तो वो हमेशा ये बैक करता था कि हमारे आखिरी 10 ओवरों में हम खुला खेलेंगे तो हम 100 कर सकेंगे. बट दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि फिटनेस लेवल डिफरेंट हो चुकी है, आपके बॉलिंग वेरिएशन डिफरेंट हो चुकी है, आपके स्किल लेवल बढ़ चुके हैं. इसमें जो हमारी डिस्कशन है ना, वे पाकिस्तान लैक, पाकिस्तान डजंट प्ले अटैकिंग क्रिकेट. अटैकिंग क्रिकेट क्या है? कल स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की, मैंने जिंदगी में शाहिद अफरीदी हो, मुश्ताक अहमद हो, शेन वॉन हो, कोई भी स्पिनर हो, आप गंदे बॉल के लिए फील्डिंग सेट नहीं करते, आप अच्छे बॉल के लिए फील्डिंग सेट करते हैं. जब आप अच्छे बॉल के लिए फील्डिंग सेट करने का मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा कवर पे सिंगल नहीं होनी चाहिए. अगर दो पॉइंट लिए, यहां से बॉल नहीं जाना चाहिए, यहां से सिंगल नहीं होनी चाहिए. अगर मैं ये डरता रहूं कि मिड विकेट लूं, पीछे पीछे ले लूं, यार खुल जाए, चौका ना आ जाए, तो दुक्का तो मुझे आराम से मिल जाएगा. मेरे ऊपर प्रेशर ही नहीं आ रहा. कई दफा मुझे अंडर प्रेशर करो एज ए स्पिनर कि मैं भाई नहीं, स्लिप भी ली है, मिड ऑन डाउन भी ऊपर ली है, सर्कल के ऊपर अगर गंदा गेंद करोगे तो चौका उसको पड़ना ही पड़ना है. आप चौके के लिए बॉल सेट नहीं करते. इसलिए पाकिस्तान जब जो उनकी पार्टनरशिप बिल्ट अप हो रही थी, मुझे ये लग रहा था कि वहां पे पाकिस्तान के किसी बंदे ने जाके बात नहीं की. चाहे वो शदाब और वो उसामा अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, मगर उनके ऊपर प्रेशर तो बिल्ट अप करो ड्यूरिंग मैच कि भी आपने सिंगल नहीं देनी, चौका खा लो, कोई बात नहीं, फिर आप आगे तो करोगे ना. जब मेरे ऊपर प्रेशर पता क्या नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरी मिड विकेट भी पीछे है, मिड ऑन भी पीछे है, मेरा पॉइंट भी पीछे है, अब मैं आराम से खिंची गेंद करूंगा, यार चौका ना पड़ जाए. आपका माइंड सेट चेंज हो गया. ये माइंड सेट चेंज करने के लिए कई दफा रेस्टरूम की जो आवाज होती है, मैनेजमेंट की आवाज होती है ना, दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल वॉइसेस इन फॉर पाकिस्तान टीम और एनी टीम. इसलिए मैं कहता हूं कि जॉनसन ट्रॉट को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उसने चेंज किया है. उसको तो देना चाहिए, उसको देना चाहिए, उसी को देना चाहिए क्रेडिट, ट्रॉट को देना चाहिए. हमने भी बात की थी कि हम किसको क्रेडिट दें. लाला अभी फील्ड प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं मुश्ताक भाई. बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फील्डर्स अपनी किसी और सोचों में गुम होते हैं, और फील्डिंग में तो आपको हम सब जानते हैं कि क्या स्टैंडर्ड्स अब हो चुके हैं. आपको प्रोएक्टिव नहीं, अल्ट्रा प्रो एक्टिव जो है वो होना पड़ता है फील्डिंग में. तो क्या ये अगर फील्ड प्लेसमेंट आप जैसे भी कर दें, आपके फील्डर्स ही रेडी नहीं है, तो यहाँ पर फिर कप्तान या कोच क्या करेगा? देखिए, जब आप गेम में नहीं होते ना तो इस तरह की चीज़ें होती हैं. जब आप शेल में छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप बहुत अच्छा नहीं सोच रहे होते, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते, और आप बाउंड्री लाइन पे खड़े हो कि यार हम अफगानिस्तान से हार रहे हैं, कोई विकेट नहीं गिरी, हम बेसिकली कभी कभार ऐसा लगता है मिरेकल्स का इंतज़ार करते हैं. मिरेकल्स ऐसे नहीं होते, मिरेकल्स बहादुरों के साथ होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो लड़ना जानते हैं. देखिए, कप्तान नहीं है, कप्तान सब कुछ है. कप्तान अगर ग्राउंड के अंदर फील्डिंग के अंदर जान लगाएगा, डाइवे मारेगा ग्राउंड के अंदर, ओवर के बाद बाकी लड़कों को बैक करेगा, सपोर्ट करेगा, तो सारी टीम जेल हो जाती है और सारी टीम भागना शुरू हो जाती है, एक्टिव हो जाती है. क्यों? इसलिए कि कप्तान अगर जान लगा रहा है और दूसरा लड़का जान नहीं लगा रहा, तो उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी कि यार मेरा कप्तान इतनी जान लगा रहा है, मैं क्यों एक्टिव ना हूं, मैं क्यों डाइव ना मारूं. तो हमारा हुआ है, हमारा होता था, मैं कप्तान था या मोहम्मद यूसुफ कप्तान थे, जो भी कप्तान रह चुके हैं, वो जब ग्राउंड में भागते थे और सबको बैकअप का वगैरह करते रहते थे, तो पूरी टीम उठी हुई होती थी. कप्तान नहीं कर रहा होता था, कोई नहीं कर रहा होता था. एनजी भाई डाइव मार रहे होते थे तो यकीन मानो हमें शर्मिंदगी होती थी यार कि कप्तान डाइव मार रहा है, एनजी भाई हम क्यों नहीं मारे. हम हर प्लेयर की कोशिश होती है कि अगर कप्तान एफर्ट कर रहा है ग्राउंड के अंदर, हमें भी एफर्ट करनी चाहिए. तो घूम फिर के चीजें कप्तान के ऊपर ही आती हैं आखिर में. तो कप्तान का ही रोल होता है कि इस सर्कल के फील्डरों को आगे रखे, प्रेशर डाले. फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, आपकी स्लिप ही नहीं है, 4 रन चाहिए 12 बॉलों पे, आपने पॉइंट पीछे ली हुई है, यार प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, नजर तो आओ कि प्रेशर डाल रहे हैं. ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं, एक विकेट दो विकेट गिरती है, वो ठक करके हावी हो जाते हैं दूसरी टीम पे, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हावी हो गए थे इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगाने के बाद. तो असल घूम फिर के देखिए, कप्तानी जो है
वो बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है, वो भी पाकिस्तान टीम, लेकिन वो फूलों का बिस्तर भी नहीं है फिर कप्तानी, फिर हर जगह फिर कप्तानी नजर आता है, जब करते तो वाह वाह कप्तान, लेकिन जब नहीं हो रही होती तो सारा कुछ कप्तान पे या हेड कोच पे आ रही होती है चीजें। तो इसके लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह अभी यूसुफ ने कहा कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, हम सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम भी ऑस्ट्रेलियंस की तरह मशहूर है कि बाउंस बैक अच्छा करती है, लेकिन उसके लिए आपकी जो कल की बॉडी लैंग्वेज थी या जो कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बॉडी लैंग्वेज थी, इस बॉडी लैंग्वेज से आप नहीं जीत सकते।